हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल किकोमेनिया में आपका स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी शानदार खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आएगी नोटिफिकेशन बेल, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो। में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाला एकमात्र बल्लेबाज। हेलो क्रिकेट के दीवानों, पूरा भारत क्रिकेट का दीवाना है। दोस्तों, अगर क्रिकेट में चौके छक्के ना लगे तो मजा नहीं आता, और अगर लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लग जाएं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने की बात जब भी होती है तो पहला नाम दिमाग में युवराज सिंह का आता है। पर युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज नहीं हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं 50 ओवर के वर्ल्ड कप में लगातार 6 छक्के लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज के बारे में, जो कि दुनिया का एकमात्र बल्लेबाज है जिसने 50 ओवर के वर्ल्ड कप में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए और ये चमत्कार कर दिया। वह और कोई नहीं, साउथ अफ्रीका के खतरनाक बल्लेबाज हर्षल गिब्स हैं। जब 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए हर्षल गिब्स ने 2007 में वेस्टइंडीज़ में आयोजित किए गए विश्व कप का दक्षिण अफ्रीका व नीदरलैंड का वह मैच विश्व इतिहास का हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने नीदरलैंड के लैंग ब्रेक गेंदबाज वॉन डर बुंगा की लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के लगाते हुए 36 रन बटोरे थे। पूरी तरह से निराश बुंगा ने आखिरी गेंद भी शॉर्ट पिच डाल दी थी, जिस पर गिब्स ने छठा छक्का लगाकर 6 छक्के लगाकर अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये विश्व रिकॉर्ड विश्व कप क्रिकेट सहित वनडे क्रिकेट का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड T20 क्रिकेट में उसी साल आयोजित किए गए विश्व कप में भारत के युवराज सिंह ने बनाया था। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर 6 छक्के लगाते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दोस्तों, आपके अनुसार वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगा सकता हो? आप उसका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं वर्ल्ड कप के अनोखे रिकॉर्डों के साथ। तब तक गुड बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।